हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो देखो, आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं जो कि आरडीटी में यूज़ होता है, डेट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम बेसिकली जो है ना वेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वेक्टर के थ्रू जो है ना हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिलीवर करते हैं किसी होस्ट में। तो आज हम देखेंगे कि जब हम आरडीटी करते हैं तो उस टाइम हमें रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं। मैं वो सभी पॉसिबिलिटीज जो ना अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो उन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसके लिए हम वैक्टर के अंदर कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वन ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर इज दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो बेसिकली प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं विच विल गिव दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसके अंदर वो प्रेजेंट होता है, दैट विल गिव इट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी एंटीबायोटिक। तो ये किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की यहाँ पे बात करूँ, तो हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपको इस प्रोसेस को समझना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दो चीजें ली, ठीक है ना। ओके वेट, तो यहाँ पे मैंने बच्चों दो चीज़ें ली हैं। नाउ दिस इज़ द वेक्टर, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब ये जो वेक्टर है मीन्स प्लाज्मिड है, इसके अंदर जैसे दिख रहा है आपको कि देर आर टू रेजिस्टेंट जीन्स, एक है इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा बच्चों इसमें है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। यानी जिस बैक्टीरिया के अंदर ये होता उस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस होती टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी, ठीक है। अब इस वेक्टर में आपको एक चीज याद रखना होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर जो है ना MCS होता है, दैट्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है। और ये जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है ये रिकॉग्निशन साइट्स होती है, यानी ये इट्स अ रिकॉग्निशन साइट फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो वहीं पे इंसर्ट होगा जहाँ पे उसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमने मल्टीपल क्लोनिंग साइट को लोकेट किया किसमें, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे मान लो बच्चों मैंने एक जीन लिया है, यहाँ पे नॉर्मली एक जीन मैंने लिया। नाउ इस जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए मिलेगा, ठीक है जी। और उसके बाद जब इसमें ट्रांसलेशन होगा तो एक नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। तो नॉर्मली जीन कैसे वर्क करता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, देन ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जीन में, यहाँ पे अगर मैं कोई जीन ले रहा हूँ, मान लो अगर मैं इस जीन में कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एक फंक्शनल जीन के अंदर एक दूसरा जीन इंसर्ट किया, उससे क्या होगा, वो जो दूसरा जीन है वो एक्सप्रेस होगा और जो प्रीवियस जीन है वो यहाँ पे क्या होगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी अगर आप किसी नॉर्मल जीन के अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे हो तो प्रीवियस जीन यानी जो नॉर्मल पहला जीन था वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है ना, और जो नया जीन है वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नाउ सी, वही चीज यहां पे होने वाली है, ध्यान दीजिए आप। अब जरा ध्यान दीजिए, जब मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के साथ लाइगेट किया, अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है नाउ ये इंसर्ट कहां पे हुआ, ये इंसर्ट वहां पे हुआ जहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। तो डैट मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जिससे क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है ना वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज रेजिस्टेंस ओनली अगेंस्ट एम्पिसिलिन, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ना वो नॉन फंक्शनल हो गया, यानी इसमें अब टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस नॉर्मल वेक्टर को देखते हो, जो आपने वेक्टर चूज किया था, अगर आप उस नॉर्मल वेक्टर को देख रहे हो, तो इस नॉर्मल वेक्टर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है दैट इज फॉर एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद बेसिकली आरडीटी में जो स्टेप्स होते हैं, पहले आप वेक्टर लेते हैं, साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, वेक्टर जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने वेक्टर के साथ लाइगेट किया ताकि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिले, ठीक है। ये प्रोसेस जो है रैंडम प्रोसेस है, ठीक है ना, हर कोई वेक्टर में जो है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं होगा, कुछ वेक्टर्स नॉर्मल ही रहेंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे बनाया है।
तो जब हम इसे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को व्हेन वी विल ट्राई टू इंसर्ट इट इनटू द होस्ट, जब हम ये करेंगे ये ट्राई करेंगे कि हम इसको अब इंसर्ट करेंगे किस में, होस्ट में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि नॉर्मल वेक्टर ही जा सकता है, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई भी नहीं जाएगा, ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा और ना नॉर्मल प्लाज्मिड जाएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है। सो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज हियर, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो तीन पॉसिबिलिटीज है अच्छे से देख लेना बच्चों। पहली जो पॉसिबिलिटी है इसमें रिकमेंडेंट डीएनए जा चुका है, ठीक है। सेकेंड जो आपको दिख रहा है, यानी जो सेकेंड होस्ट है, इसके अंदर क्या चला गया है, नॉर्मल प्लाज्मिड, तो इसमें नॉर्मल प्लाज्मिड चला गया है। और बच्चों तीसरा जो पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है, यानी तीसरा होस्ट जो आपको दिख रहा है, इस होस्ट में ना प्लाज्मिड चला गया है और ना ही यहाँ पे चला गया है कोई रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सो द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट देर इज नथिंग, तो इसमें यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज नाउ। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इस होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका होगा। सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि इस होस्ट में नॉर्मल प्लाज्मिड जा चुका होगा। थर्ड ये है कि इसमें कुछ भी नहीं चला गया होगा, ठीक है। बच्चों पहले दो जो है जिसमें या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया या तो नॉर्मल प्लाज्मिड चला गया, इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। तो इन दो को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है जी। और जिसमें कुछ भी नहीं गया, ना नॉर्मल प्लाज्मिड गया ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वी कॉल इट एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो बच्चों इसको हमने नाम दिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, या तो आपको ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर आपको दो चीजें मिल रही है, एक वो होस्ट जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, एक वो होस्ट जिसमें नॉर्मल प्लाज्मिड चला गया है, ठीक है। अब बच्चों वो होस्ट जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है इसे हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, और जो दूसरा है इसे हम नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो बच्चों नॉन रिकॉम्बिनेंट वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके अंदर एक नॉर्मल प्लाज्मिड चला गया है, ठीक है। देखो बच्चों अगर आप इस होस्ट वन को देखोगे, इसके पास रेजिस्टेंस जो है डेट इज ओनली अगेंस्ट एम्पसिलिन, ठीक है। तो जो सेकेंड होस्ट है इसमें रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एम्पसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन, लेकिन जो होस्ट थ्री है इट हैज नो रेजिस्टेंस, इसमें ना एम्पसिलिन की रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स होस्ट वन कैन सर्वाइव ओनली इन एम्पसिलिन मीडियम बट इट कैन नॉट सर्वाइव इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। नंबर सेकेंड जो है, जो सेकेंड होस्ट है हमारा, ये एम्पसिलिन में भी ग्रो कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों के लिए है। तीसरा जो है ना एम्पसिलिन में ग्रो कर सकता है ना टेट्रासाइक्लिन। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम कैसे यूज़ करेंगे टू सेपरेट आर टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट्स आउट ऑफ द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आर आउट ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम, हम इन तीनों होस्ट्स को मतलब यहाँ पे कल्चर करेंगे, ठीक है। तो कल्चर करने के बाद हमारे पास मल्टीपल कॉलोनीज फॉर एग्जांपल मिली, लेकिन कॉलोनी जो है ना वो एक जैसी है और मुझे नहीं पता इनमें से रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस कल्चर को जो है ना, मैं इस कॉलोनीज को जो है ना कल्चर करूंगा किसमें, एम्पसिलिन मीडियम में, ठीक है। तो जब मैं इसको एम्पसिलिन मीडियम में डालूंगा तो डेफिनेटली जो थर्ड होस्ट है हमारे पास, जिसके पास ना एम्पसिलिन रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन है, डेफिनेटली वो यहां पे किल होगा, यानी उसकी कॉलोनी यहां से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कॉलोनी वो वाली यहां पे खत्म होगी एम्पसिलिन में जिसके पास एम्पसिलिन रेजिस्टेंस भी नहीं है और वो होस्ट थ्री के पास है, मीन्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास है, ठीक है। नाउ आपके पास एक प्लेट बनेगी जिसे आप मास्टर प्लेट कहोगे। अब मास्टर प्लेट में आप यू आर कंफर्म कि एक इसमें रिकॉम्बिनेंट्स है और इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, लेकिन कौन सी कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट है कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये अभी आपको नहीं पता। तो आप इस प्लेट का एक रेप्लिका बनाओगे, ठीक है। जब आप इस प्लेट का रेप्लिका बनाओगे तो ये मास्टर प्लेट जो है ना आपके पास प्रिजर्व रहेगी। अब इस जो भी एक्सपेरिमेंट हमें करना है हम इस रेप्लिका पे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हम इस रेप्लिका को जो है ना हम इसको ट्रीट करेंगे विद द टेट्रासाइक्लिन।
और बच्चों जब हम इस रेप्लिका को टेट्रासाइक्लिन के साथ ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली जो इसमें नॉन रिकमेंडेंट्स की कॉलोनी होगी वो सर्वाइव करेगी, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, एम्पिसिलिन तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो डैट मीन्स इस टाइम जो कॉलोनी यहाँ पे किल होगी, ठीक है, वो होगी रिकमनेंट्स, और जो यहाँ पे सर्वाइव करेंगे वो होंगे नॉन रिकमनेंट्स। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द रिकमनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकम। तो इस रेप्लिका को हम मास्टर प्लेट के साथ कंपेयर करके देखेंगे, वी विल गेट रिकमनेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन रिकमनेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट सिलेक्टेबल मार्कर, दैट इज व्हाट यू कॉल इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का दूसरा एक एग्जाम्पल, जहाँ पे हम कोई क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को लेके जो है स्क्रीनिंग करते हैं, यानी सेपरेशन करते हैं, उसे यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।